दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है। कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। कुछ लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि इन्होंने महज 5000 रुपये से निवेश की शुरुआत की थी और आज शेयर बाजार से करोड़ों रुपये बना रहे हैं। आखिर उनकी सफलता का राज क्या है? दरअसल आप भी कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर शेयर बाजार से पैसा बना सकते हैं। शेयर बाजार में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप लखपति से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग पैसे बनाने की होड़ में नियम और रिस्क को भूल जाते हैं, या फिर कहें कि जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर उनकी शिकायत होती है कि शेयर बाजार से बड़ा नुकसान हो गया। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि शेयर बाजार से 90% से ज़्यादा रिटेलर पैसा नहीं बना पाते। हर रिटेल निवेशक को शेयर बाजार में कदम रखने से पहले इसके आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि 10% रिटेल निवेशक पैसे बनाने में सफल रहते हैं, क्योंकि वे नियमों को फॉलो करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि शेयर बाजार से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट बात आती है वो है कि शुरुआत कैसे करें। शेयर बाजार में निवेश से पहले ये जानने की कोशिश करें कि शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, लोगों को शेयर बाजार से कैसे कमाई होती है, क्योंकि शेयर बाजार कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है। डिजिटल के इस दौर में आप घर बैठे ऑनलाइन इस बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा आप इस मामले में वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं, जो आपको शुरुआत में सही दिशा बताएंगे। दूसरा, दोस्तों, इसमें छोटी छोटी रकम से निवेश करने की शुरुआत करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए बड़ी रकम होनी चाहिए। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा देते हैं, फिर बाजार में उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाते हैं। आप छोटी रकम यानी कि महज 100 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे बात, दोस्तों, यह है कि इसमें टॉप कंपनियों को चुने। शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिटर्न पर फोकस करने से बचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग उन कंपनियों स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं होते हैं, और फिर फंस जाते हैं। इसलिए निवेश की शुरुआत अक्सर लार्ज कैप कंपनियों से करें जो फंडामेंटली मजबूत हो। जब आपको कुछ साल का अनुभव हो जाए तो फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप छोटी रकम से निवेश करने की शुरुआत करेंगे तो हर महीने निवेश को बढ़ाते रहे, अपने पोर्टफोलियो को संतुलित बनाकर रखें। जब आप लगातार कुछ साल तक बाजार में निवेशित रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अक्सर बाजार में लंबे समय तक निवेशित रहने वालों को फायदा होता है। दोस्तों, पैनी स्टॉक से दूर रहे। रिटेल निवेशक अक्सर सस्ते स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, 10-15 रुपये वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं और फिर गिरावट में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सस्ते शेयर में कम निवेश कर ज़्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन ये सोच गलत है। स्टॉक्स का चयन हमेशा कंपनी की ग्रोथ को देखकर करें। उसी कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस अच्छा हो और उस बिजनेस को चलाने वाला मैनेजमेंट अच्छा हो। गिरावट से कभी नहीं घबराएं। शेयर बाजार में जब भी गिरावट आए तो अपने निवेश को थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाएं। अक्सर रिटेल निवेशक को जब तक कमाई होती है तब तक वो निवेश में बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही बाजार में गिरावट का दौर चलता है रिटेल निवेशक घबराने लगते हैं और फिर बड़े नुकसान के डर से शेयर सस्ते में बेच देते हैं, जबकि बड़े निवेशक खरीदारी के लिए गिरावट का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कमाई का कुछ हिस्सा सुरक्षित जरूर करें। शेयर बाजार से होने वाली कमाई के कुछ हिस्से को सुरक्षित निवेश के तौर पर दूसरे जगह पर भी लगाएं। इसके अलावा अपने मुनाफे को बीच बीच में कैश करते रहें। सबसे अहम और हर रिटेल निवेशक के जरूरी बात यह है कि वे बिना जानकारी शेयर बाजार से दूर रहे और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। देश के बड़े निवेशकों को फॉलो करें और उनकी बातों को गंभीरता से लें। तो दोस्तों, ये थे शेयर बाजार से करोड़पति बनने के टिप्स। जानकारी आपको पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।